हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ क्लिक। नमस्कार, मैं परंजॉय गुहा ठाकुर हूं और आज का चर्चा का विषय है बिहार का चुनाव, विधानसभा चुनाव। इस वक्त एकदम गर्मा गर्म हो गए हैं। एक महीना पहले, दो महीना पहले लोग कह रहे थे कि भाई नीतीश कुमार वापस आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन एनडीए वापस आ रहे। आज सारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे कि हाय भैया माहौल बदल गया और तेजस्वी यादव का को सुनने के लिए लाखों लोग आ रहे हैं, नीतीश कुमार नाराज हैं। तो ये विषय के ऊपर, इस विषय के ऊपर आज चर्चा करने के लिए मैं संकर्षण ठाकुर को अभिनंदन कर रहा हूं। संकर्षण ठाकुर 35 साल से भी ज्यादा पत्रकारिता कर रहे हैं, कलकत्ता का टेलीग्राफ दैनिक पत्रिका के साथ बहुत साल वो काम कर रहे हैं, वो किताब लिखे हैं, बहुत सारे किताबें हैं बिहारी और बिहार के नेता के ऊपर। इसमें 2015 में ब्रदर्स बिहारी करके नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जी दोनों के बारे में लिखा। उससे पहले उन्होंने 2000 साल में द मेकिंग ऑफ लालू प्रसाद यादव उन्होंने लिखा था और 2014 में सिंगल मैन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नीतीश कुमार इन बिहार। संकर्षण धन्यवाद आपका समय, आपने न्यूज क्लिक का दर्शक को आपने दिया। कुछ हफ्ते पहले आपने एक फाउंडिंग फ्यूल मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। अच्छा संकर्षण, कुछ हफ्ते पहले एक वेबसाइट फाउंडिंग फ्यूल में आपने कहा कि महागठबंधन का लोकप्रियता बढ़ रहे हैं और नीतीश कुमार को गिर रहे हैं। तो सिर्फ नहीं, आपने कहा कि महागठबंधन का भी ग्राफ गिर रहा है और नीतीश कुमार का भी ग्राफ गिर रहा है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का लोकप्रियता बढ़ रहा है। तो क्या माहौल बदल गया कुछ हफ्तों में? क्या कुछ माहौल बदल गया? नीतीश कुमार उसका रैली में लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद कर रहे हैं, नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं और सब लोग हो गए कि इतने लोग आ रहे तेजस्वी प्रसाद तेजस्वी को सुनने के लिए, माहौल कैसे बदल गया इतने जल्दी? देखिए, चुनावी माहौल बदलता है। जब चुनाव अभियान शुरू होता है तो अक्सर देखा गया है कि चुनावी माहौल बदलता है और इसके बहुत सारे अलग अलग केमिस्ट्री होती है। लेकिन जिस जो प्रश्न आपने किया उसका मैं थोड़ा परिपेक्ष बता दूं कि उस समय जो मैंने ट्रेंड्स देखे थे उसमें ट्रेंड यही था कि नीतीश कुमार का ग्राफ फ्लैटन होता जा रहा था, आरजेडी का जो ग्राफ था वो राइज नहीं कर रहा था, फ्लैट ही था, नीतीश कुमार के थोड़ा ऊपर, इट वाज फ्लैट। बीजेपी की बात मैंने नहीं की थी, मैंने नरेंद्र मोदी की बात की थी। ये दोनों अलग अलग एंटिटी है, बिहार बीजेपी और नरेंद्र मोदी में बहुत फर्क है। बिहार बीजेपी, अगर आज भी आप बिहार का अभियान देखें तो वो नरेंद्र मोदी के नाम पे चल रहा है, वो किसी बिहारी नेता, कोई नेटिविस्ट नेता के नाम पे, सुशील मोदी के नाम पे या मंगल पांडे के नाम पे नहीं चल रहा, ये नरेंद्र मोदी के नाम पे चल रहा है। तो नरेंद्र मोदी की जो एक लोकप्रियता है वो, मैंने ये नहीं कहा था कि बढ़ रही है, लेकिन वो एक एक उसका जो ग्राफ है वो दोनों के ग्राफ से ऊपर है और वो गिरता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन पिछले दो हफ्तों में जब से चुनावी अभियान शुरू हुआ है तो ये स्पष्ट हुआ है कि देखिए, तेजस्वी के साथ मैंने 2019 में भी कुछ दिन बिताए थे रैली के दौरान, और राजद का एक बहुत लॉयल कंस्टिट्यूएंसी है यादव्स का, मुसलमानों का, वो आप हमेशा देखेंगे कि यादव्स के राजद के रैलीज में वो धूमधाम से आते हैं और जोर शोर से खैर मकदम करते हैं, चाहे लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो जो आज उनके उत्तराधिकारी हैं। लेकिन 2019 में जो रैलीज हुई उसका परिणाम ये निकला कि राजद को एक भी सीट नहीं आई और ये पहली बार हुआ था, दे ड्रू अ ब्लैंक। दिस टाइम मैं इसमें कोई संकोच नहीं है मुझे ये कहने में कि तेजस्वी हैज टेकन मोस्ट पीपल इंक्लूडिंग मी by surprise with his energy and with the way he has campaigned. He has campaigned like quite another person from 2000 and pichle saal ki hi baat kar rahe hain, sab log aashchar jho hain.
नहीं आश्चर्य हो रहा है मुझे भी, और मुझे भी लोग पूछते हैं कि ये क्या हो गया। और मैं एक एक डिस्क्लेमर है यहाँ परंजॉय जी के, मैं आजकल की परिस्थितियों को आप जानते ही हैं, इन परिस्थितियों में बिहार नहीं जा पाया हूँ, और ग्राउंड से मेरा नाता इतना ही है अभी कि हाँ लोगों से रोज संपर्क रहता है मेरा, और सिर्फ पत्रकारों और राजनेताओं से ही नहीं, आम लोगों से भी, क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, नॉर्थ बिहार दरभंगा जिले का रहने वाला हूँ, तो दूर से ही लोगों से बातचीत करके जो मेरा एक एक सेंस बना है। लेकिन हर जगह किसी से भी अगर आप पूछिएगा आज, तो ये है कि तेजस्वी जिस तरह का कैंपेन चला रहे हैं वो उनके खुद के लोग चौंके हुए हैं। आपने जैसे कहा जी, आपने मुसलमान और यादव इन दोनों का नाम जी, ये बार बार लोग कहते हैं MY Alliance, आप क्या लग रहे कि आज आप जिस तरह से देख रहे तेजस्वी यादव के रैलीज में लोग आ रहे, कि और जाति से लोग आ रहे और वो और कम्युनिटीज से लोग आ रहे, कि अभी भी सिर्फ मुसलमान और यादव? हम जानते हैं, आप जानते हैं कि बिहार का राजनीति में जाति और जातिवाद का एक बहुत बड़ा एक 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 इन्फ्लुएंस है, एक इम्पैक्ट है, तो ये इसमें कुछ हम परिवर्तन देख रहे हैं क्या है? देखिए इन रैलियों का कॉम्पोजिशन का निरीक्षण करना कोई आसान काम नहीं है, टू से कि ये लोग आ रहे हैं, ये सेक्शन आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं। और दूसरा बात, मैं ये भी कह दूं कि रैली देख करके चुनाव का आकलन करना मुझे उतना बड़ा यार्डस्टिक नहीं लगता रैली, क्योंकि 2015 में भी आप मान के चलिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे और नए नए जीत के आए थे, 14 में प्रधानमंत्री बने थे, 15 में उन्होंने बिहार को जीतने की अथक कोशिश की, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हुई मोदी की, लेकिन नतीजा नहीं निकला। रैली में भीड़ तो आई लेकिन वोट उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। इस बार ये जरूर मैं कहूंगा कि राजद ने एक तालमेल किया है लेफ्ट पार्टीज के साथ, और जो माले है उसके साथ, जो कि CPIML बहुत दिनों से बिहार में उसका कुछ क्षेत्रों में बेस रहा है, और इन इन क्षेत्रों में शायद पहले चरण के चुनाव में ही वोटिंग होगी। तो ये जो समन्वय ग्राउंड पे कितना दोनों का बनता है, मैं जो सुन रहा हूँ उससे लगता है कि ये लोग एट्रिशनल पार्टीज थे। माले का राजद से बहुत पुरानी दुश्मनी रही है, खाली राजनीतिक दुश्मनी नहीं, सोशल दुश्मनी, यादवों और दलितों के बीच, यादवों और अति पिछड़ों के बीच बहुत दुश्मनी रही है, यहाँ तक कि खून खराबे की दुश्मनी रही है। लगभग एक साल पहले राष्ट्रीय जनता दल सबको आश्चर्य कर दिया जब उन्होंने जगदानंद सिंह जी को वहां राज्य का अध्यक्ष बना दिया, वो राजपूत है, और राष्ट्रीय जनता दल का 23 साल का इतिहास में पहला बार एक राजपूत, एक अपर कास्ट लीडर को आपने बिहार के चीफ बनाया, ये क्या महत्वपूर्ण है? नहीं, महत्वपूर्ण इसलिए है, और मैं जो कह रहा था उस पे आगे चलूंगा कि राजद में ये एक विचार जरूर है और डीप है कि MY कॉम्बिनेशन को लेकर के ही वो लोग कोई अभियान जीत नहीं पाएंगे, उनको ऐड करना पड़ेगा, दे विल हैव टू हैव अ प्लस। तो या तो सवर्णों को ऐड करें या पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, EBCs एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जो क्लासिफिकेशन बिहार में कहते हैं, तो ये सोच उनकी रही है और ये कोशिश रही है, क्योंकि इलेक्शन में सिर्फ MY कॉम्बिनेशन अगर लेके चलेंगे तो आप चुनाव जीत नहीं सकते, क्योंकि काउंटर कंसोलिडेशन बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा, एक बात और है कि सवर्णों को, अपर कास्ट को जीतने में जब तक भारतीय जनता पार्टी एक एक फोर्स के रूप में बिहार में मौजूद है, उसका सपोर्ट लेने के लिए जो कोशिश राजद को करनी पड़ेगी उसका उल्टा असर राजद की ही कंस्टिट्यूएंसी पर ही पड़ सकता है। तो ये बहुत फाइन, व्हाट यू कॉल फाइन बैलेंस दे विल हैव टू स्ट्राइक। ये इतने कम समय में हो जाएगा ये मैं आश्वस्त नहीं हूँ,
लेकिन माले से जो गठबंधन हुआ है, लेफ्ट पार्टी से जो हुआ है, उसमें कुछ लोग जो कि राजद की राजनीति से पहले नहीं जुड़ते थे, वो खासकर उन इलाकों में जुड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कितना वाइड स्प्रेड होगा ये फिनोमेनन, ये MY प्लस कितना वाइड स्प्रेड होगा, ये अभी कहना, मैं मानता हूं ये अभी कहना मुश्किल है, इस निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। ठीक है, समय बताएंगे हम 10 तारीख के दिन नवंबर में सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। मगर आप जैसे कहा थोड़ी देर पहले कि आप भारतीय जनता पार्टी बिहार में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग तरीका से, आप अलग नजरिया से देख रहे हैं। आप जानते हैं आज नहीं, इससे पहले भी और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय मुद्दा, इस बार भी सासाराम में, गया में, भागलपुर में, अलग अलग जगह में उन्होंने जहां भाषण दिया, राष्ट्रवाद, कश्मीर, 370 धारा, लद्दाख, ये सारे मुद्दा प्रधानमंत्री का। और आप देख रहे हैं कि तेजस्वी जी और कांग्रेस का नेता और वाम का नेता सारे स्थानीय मुद्दा उठा रहे, बेरोजगारी, प्रवासी मजदूरों का समस्या और भी बहुत सारे, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो अब आपका क्या लग रहा है, ये स्थानीय मुद्दा या राष्ट्रीय मुद्दा? क्योंकि ये तो विधानसभा चुनाव है। हम जानते हैं कि 2019 में जब बिहार में लोकसभा चुनाव हुई थी, उस समय महागठबंधन को सिर्फ लगभग 30% मिला और NDA को 53%, 2019 के बाद में कर रहा हूं। तो व्हाट विल बिकम मोर इंपोर्टेंट? देखिए उस लोकल इशू में, उस समय देखिए 2019 का चुनाव और प्रदेश का जो चुनाव होता है वो अलग होता है। 2019 का चुनाव उबलते पानी में हुआ था, वो उबलता पानी जो था वो पुलवामा बालाकोट जो हाल ही में हुआ था, चुनाव के ठीक पहले फरवरी में, और फिर बालाकोट के स्ट्राइक्स हुए, तो उस समय वो मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, राष्ट्र को बचाने का मुद्दा बिहार में और कई जगह और भी बहुत बहुत हावी हुआ था कि हमको राष्ट्र को बचाना है, ये मुद्दा अचानक बन गया था उस चुनाव में। इस चुनाव में लेकिन दो चीजें मैं कहूंगा, लोकल मुद्दे जिस तरह से लोगों ने लोकल मुद्दों को उठाने का जो उसका जो रिएक्शन दिया है वो मुझे लग रहा है विजिबली बहुत भारी है। नहीं तो लोकल मुद्दे उठाने पे ये नौकरियों का मुद्दा, माइग्रेंट मजदूरों का मुद्दा, सरकारी तंत्र को लोगों तक पहुंचाने का मुद्दा, ये मुद्दे लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखिए नरेंद्र मोदी तो बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं वाले हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो उन मुद्दों से हटेंगे जहां पर वो डिफेंसिव पे हैं। वो उनका मुद्दा हमेशा, भाजपा का मुद्दा हमेशा रहा है, ऐसे मुद्दे उठाओ जिससे राष्ट्रीय भय पैदा हो, जिससे लोगों को लगे इनसिक्योरिटी है, और फिर उन इनसिक्योरिटीज को पैदा करके उसको लोगों को बताओ कि सिर्फ मैं ही आपको इन चीजों से बचा सकता हूं। तो ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री की नई नई है, लेकिन लोकल बातें ना करना एक समय तक चलेगा, लेकिन उसके बाद नहीं चलेगा। आप भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को देखिए, जब मैनिफेस्टो निकला है तो वो पूरा जो एजेंडा तेजस्वी और महागठबंधन ने उठाया है उस मुद्दे को एड्रेस करने में लगे हैं। उन्होंने भी नौकरियों की बात की, वैक्सीन का भी एक अजीब और गरीब सा एक प्रॉमिस कर दिया कि हम जीतेंगे तो फ्री वैक्सीन देंगे, और नहीं जीतेंगे तो बिहारी जनता को वैक्सीन नहीं मिलेगी क्या? यही तो इस तरह से बात हुआ अपने मैनिफेस्टो में। नहीं तो लोकल मुद्दों पे लोगों को लोकल मुद्दों ने आकृष्ट किया है, और इस बात को आप कम ना मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था वो भी, वो एजेंडा एक तरह से इट वॉज अ रिस्पॉन्स टू दी इशूज दैट तेजस्वी वॉज रेजिंग। On the other hand, इस बात को भी मार्क कीजिएगा कि ये जो राष्ट्रीय मुद्दे उठा रहे हैं गलवान के और पुलवामा के और चीन के और ये
या कश्मीर से टेररिस्ट आ जाएगा, हमारे बिहार से आते हैं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, वो कहते फिर रहे हैं कि महागठबंधन जीतेगा तो कश्मीर से टेररिस्ट आ जाएगा बिहार में। आप एक तो गृह राज्य मंत्री हैं महाराज, आप क्या कर रहे हैं अगर टेररिस्ट कश्मीर से बिहार आ जाएगा तो आप क्या कर रहे हैं? ये तो अपने आप पे टिप्पणी है ना। लेकिन महागठबंधन उस जाल में पड़ा नहीं है, इन्होंने अपना अपना एजेंडा अपना ही रखा है। दे हैव नॉट फॉलन इनटू द ट्रैप ऑफ आंसरिंग दोज नेशनल सिक्योरिटी एंड हाइपर नेशनलिज्म काइंड ऑफ डिस्कोर्स। लद्दाख में जो हमारे सेना का हत्या हुआ था उसमें बिहारी सेना लोग थे। चलिए हम कुछ ये स्थानीय मुद्दे के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं। वही आपको मालूम है 2005 में नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री, और थोड़ा समय इधर उधर हो गया, वो एक समय लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले गए, मगर लगभग 2015 साल राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी, और 15 साल नीतीश कुमार, थोड़े दिन जीतन राम मांझी 9 महीना, हम बीच में थोड़ा बहुत, हाँ जीतन राम मांझी भी थे, बिल्कुल आपने ठीक किया, मगर लगभग समझ लीजिए 15 साल हाँ जी, कुशासन सुशासन। तो आज भी नीतीश कुमार लोगों को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय जंगल राज था। तो मगर ये जो कहते हैं ना एंटी इनकम्बेंसी, जो सत्ता विरोधी जो एक माहौल, इस बार बिहार में क्या आप देख रहे हैं? क्योंकि और सत्ता विरोधी माहौल बहुत है, एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है। नीतीश कुमार को अपनी रैलियों में, मुख्यमंत्री की रैलियों में लोग आके मुख्यमंत्री को पर्चा दिखाएं और बोलें, यहाँ तक बोला गया कि आप चोर हैं, लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए, कागज पत्थर दिखा के वेव किया, मुख्यमंत्री ने कई बार अपना आपा खो दिया, और अब शायद आधा दर्जन बार ऐसा हो चुका है कि मुख्यमंत्री खुद गुस्से में बिलबिला के पब्लिक मीटिंग से निकले हैं। तो गुस्सा है, लेकिन इसमें एक बात मार्के की है, और ये एक बिहार की अनोखी कहानी है। ये एक विरोधाभास इसमें है, जो एंगर और एंटी इनकम्बेंसी का जो सेंटिमेंट है वो नीतीश कुमार पे चिपक रहा है ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी पे नहीं चिपक रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बात से शायद खुश भी है कि ब्रिकबैट्स फॉर यू बट वी आर एस्केपिंग द ब्रिकबैट। नीतीश, जो लोग मैंने कई जगह देखा, जो लोग बोल रहे हैं नीतीश हटाओ, वो लोग भाजपा लाओ भी कह रहे हैं, हमको नीतीश नहीं चाहिए, हमको भाजपा चाहिए। नहीं, यही तो सबसे आश्चर्य बात है, और शायद इसी कारण है कि आज चिराग पासवान बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम मोदी जी के साथ है। और जितना भारतीय जनता पार्टी के नेता कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, अगर भारतीय जनता पार्टी भी ज्यादा विधायक होता है फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, पर ये लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। लोग कहते हैं चिराग पासवान का खेल ये है कि नीतीश कुमार को कमजोर करो, और बहुत सारे विश्लेषक है इसमें आप भी हैं, कहा कि इस विधानसभा चुनाव में एक चीज हम साफ कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का ताकत नहीं बढ़ेगा, कमजोर होने का बहुत बड़ा संभावना है, वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो ये LJP लोक जनशक्ति पार्टी, और who will be the biggest loser, यही मेरा सवाल है। बिगेस्ट लूजर इन दिस इलेक्शन इज नीतीश कुमार। I am not even talking about assembly numbers. वो बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये अटकल होगी कि इसको इतना सीट आएगा, वो उस अटकल में मैं कभी जाता नहीं। लेकिन चाहे वो मुख्यमंत्री फिर से किसी तरह बन भी जाए, चाहे और वो अमित शाह की जो पब्लिक प्रॉमिस है उसी पर मुख्यमंत्री बनेंगे, देखिए आखिरकार अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे तो अमित शाह की प्रॉमिस पर ही बनेंगे ना, अपने बलबूते पे तो नहीं बनेंगे। तो ही विल बी इन ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ अमित शाह, कि अमित शाह ने जी प्रॉमिस किया है आप बन, बन। मोदी जी के बात नहीं कर रहे, सिर्फ अमित शाह जी के बात कर रहे। अमित शाह जी तो इस बार चुनाव में तो वहां बिहार पे गए भी नहीं, एक बार भी बिहार पे जो एक
पब्लिक वादा जो स्पष्ट रूप से अनइक्विवोकल किया गया है वो अमित शाह के मुंह से ही निकला है, और अमित शाह की बीजेपी की स्कीम में, पार्टी की स्कीम में और सरकार की स्कीम में जो पोजीशन है उसको वो जग जाहिर है। मैं तो अभी भी उनको डिफैक्टो भाजपा का अध्यक्ष मानता हूँ, वही चलाता है। अच्छा शंकर शरण, तीन चार मुद्दे के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। पहला है अर्थव्यवस्था। पहले ये जो माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी मजदूर बिहार से, सरकार खुद कह रहे कि 32 लाख लोग वापस आ गए थे। नीतीश कुमार कहा कि मैं कब की बात कर रहा हूँ, मैं अप्रैल मई की बात कर रहा हूँ, उनको बोला नहीं तुम घर मत आओ, जहां हो वहीं रह जाओ। हम जानते हैं बिहार के बहुत सारे समस्या है, बेरोजगारी है, और फिर अगर ज्यादा प्रवासी मजदूर आएंगे बिहार से तो फिर और भी समस्या बढ़ जाएगा। अर्थव्यवस्था, नीतीश जी बोल रहे हाँ हमारे समय में सड़क बनाया, हमने स्कूल बनाया, हमारा स्वास्थ्य केंद्र बना हमारे समय में, उन्होंने महिला युवाओं को मुफ्त में साइकिल दिया, कोविड के बाद मनरेगा का जो कार्यक्रम है वो लगातार चला बिहार में, बाकी राज्य से अच्छा चला। और दूसरे साइड में लोग कह रहे हैं ये सचमुच सुशासन नहीं। और इफ यू लुक एट द मने, वो जो अगर अर्थव्यवस्था का आंकड़ा देखेंगे बिहार अभी भी नीचे है, फिर भी नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हाँ हमारा 15 साल में, बहुत सारे साल में जिस रफ्तार से बिहार का अर्थव्यवस्था बढ़ा वो बाकी राज्य से ज्यादा बढ़ा। तो दोनों साइड कह रहे कि नहीं हमने ठीक किया, और वो कह रहे नहीं आपने ठीक नहीं कर पाया। तो इट्स अ फाइट बिटवीन गुड गवर्नेंस एंड बैड गवर्नेंस, कुशासन बनाम सुशासन। अर्थशास्त्र तो आप हमसे ज्यादा जानते हैं बहुत अच्छी तरह। एक बहुत इस बात को मान के चलिए कि 2005 से लेकर के 2010 का जो चुनाव हुआ उसमें बिहार की हालत 2005 से पहले की जो थी उसमें बहुत सुधार हुआ, उसी की कमाई खाई है नीतीश कुमार ने 15 साल। उस समय 2008 में 2009 में बिहार की जो ग्रोथ रेट थी वो गुजरात से भी ज्यादा थी, 13%। लेकिन बिहार की हालत इतनी खराब है, और ये बात आप समझ पाएंगे कि अगर 13% की ग्रोथ रेट से बिहार 25 बरस तक लगातार चलेगा तब वो नेशनल एवरेज तक नाक उसकी पानी से ऊपर होगी, इतनी खराब अवस्था है। तो बिहार में जब हम बिहार की अर्थव्यवस्था और अर्थ के आंकड़े को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते, बिहार के परिपेक्ष में देखना होगा। तो अर्थव्यवस्था तो बिहार की कभी ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छी हो गई। हाँ उस साल का ग्रोथ रेट, लेकिन उसको सस्टेन रखने के लिए बहुत समय चाहिए। मैं ये भी नहीं मानता कि बिहार के लोग नेसेसरीली हर वक्त हर दम गवर्नेंस के इशू पर वोट दे देते हैं, नहीं तो लालू यादव 15 साल राज किए, वहां का गवर्नेंस हमको याद है। अभी नीतीश कुमार का भी गवर्नेंस कोई ज्यादा बहुत बढ़िया नहीं था, तो 2010 के बाद वो जोड़ तोड़ सर्वाइवल की राजनीति में लगे थे, अभी भी लगे हैं। लेकिन हर एवरी नेता हैज अ रन। तो मैं ये कहूंगा कि बिहारी लोग बहुत डिसर्निंग हैं इस मामले में और सिर्फ परफॉर्मेंस पर वोट देते हैं, ये इस निष्कर्ष पे मैं पहुंचने के लिए राजी नहीं हूं। अंत में कहेंगे कुछ भी, लेकिन अंत में जाकर के जात पर, पंथ पर, मजहब पर, अंत में लास्ट वो जो होता है लास्ट नाइट बिफोर द इलेक्शन, ये खेल होता है। तो अभी अभी जो हम हैं प्रथम चरण के मतदान से एक दिन आगे की बात कर रहे हैं, अभी ये चरण होगा। लेकिन यस, ये दो चीजें कही जा सकती हैं कि नीतीश कुमार की अलोकप्रियता सामने उभर के आ गई है, और दो, तेजस्वी यादव के चारों तरफ जो एक चर्निंग चल रही है वो नई और आश्चर्यचकित करने वाली बात है, और ये दर्शाती है कि शायद तेजस्वी ने कुछ ऐसा ट्रिगर किया है, और वो ट्रिगर वही है लोकल डिसअफेक्शन, लोगों के दिमाग में चुनाव नौकरियों को लेकर चिंता, रोजगार को लेकर के चिंता, ये है वो ट्रिगर किया है, और उसपे उन्होंने वो जो मुद्दा उठाया है उस पर कायम है, इधर उधर नहीं जा रहे,
इधर उधर के डिस्कोर्स में। संकर्षण, एक और मुद्दा बिहार के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ के बिहार के जितने राजनेता है, विधायक है या उम्मीदवार है, इन लोग अपराधी है। मैंने एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जैसे एक गैर सरकारी संस्था कहते हैं लगभग 30-35% जितने उम्मीदवार है उसके पास कोई ना कोई एक अपराधी है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। क्या इसके असर कुछ पड़ेगा चुनाव के ऊपर कि आपका जो उम्मीदवार है अपराधी है? ये लोग बार बार जीतते हैं, बाहुबली हैं ये लोग। शाहबुद्दीन कैसे जीतते थे? शाहबुद्दीन बार बार सिवान जीतते थे, और सिवान में शाहबुद्दीन ने जो किया, जो कहर मचाया था, वो किसी से छुपा नहीं है। तो बिहार में इन लोगों को टिकट क्यों देती हैं पार्टियां? विनेबिलिटी, बाहुबली है ये, वोट पर इसका बपौती है ये, वोट जबरदस्ती ले लेगा, डरा के लेगा, धमका के ले लेगा, खिलाफ वाला वोट को डरा के भगा देगा। These people get patronized by political parties and across the board. ये कोई एक पार्टी, दो पार्टी, तीन पार्टी की बात नहीं है। हर पार्टी चुनाव में देखती है सीट कैसे निकलेगा, निकालो सीट, निकालो सीट, निकालो सीट, निकालो, कौन निकालेगा ये वाला सीट, कौन निकालेगा ये वाला सीट, कौन निकालेगा। तो जहां जहां ये लोग आते हैं, लोग इनको वोट देते हैं, पार्टियां इनको टिकट देती हैं। अब ये अवेयरनेस देखिए, हरदम हम पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों गाली देते रहे हैं? हम लोग एज ए पीपल भी तो हम लोग को डिसाइड करना चाहिए कि नहीं भाई, चुनाव के बाद हम क्रिमिनल बोलेंगे या चुनाव के दिन वोट दे देंगे। किस किस बिहारी को नहीं पता है कि ये लोग क्रिमिनल नहीं है? इतना भारी मत से क्यों जीतता है ये लोग? वोट मत दो। इट इज वेरी इजी टू कीप ऑन ब्लेमिंग पॉलिटिकल पार्टीज, बट वी आर द पीपल हु वोट फॉर देम। दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो हैज टू बी देयर, दैट वी एज अ सोसाइटी, वी एज अ वोटिंग people are complicit in this thing. So it is fair to criticize them, but it is also we should take a moment, we should sit back and say, but why do we get they get voted, why do they not get boycotted? Theek, acha Sankarshan, abhi ek sawal main Lalu Prasad Yadav ji ke bare mein kehna chahta hu. Aap jante hain, पता नहीं कितना टाइम हो गया ये चारा घोटाला कब तक चल रहा है, कब से शुरू हुई है। सीबीआई ने 1995 में केस लॉन्च किया था, उनका कन्विक्शन हुई थी 2013 में। आप जानते हैं वो रांची में जो राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में है, अब लोग कह रहे हैं जमानत मिलने वाले हैं जिस दिन चुनाव का घोषणा होगा 10 तारीख, तो 9 तारीख एक संभावना है कि वो बेल मिल जाएगा, बाहर आ जाएंगे। तो लालू प्रसाद यादव जेल में रह के इतने साल, उनका भी बेटा तेजस्वी एक मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, अभी भी लालू प्रसाद यादव जी का बिहार के राजनीति में उनका असर क्या अभी भी है? बहुत, अगर मास लीडर का मापदंड हो तो बिहार में अभी भी लालू यादव जैसा मास लीडर जो अपने दम पर चुनाव लड़के जीत सकता हो, अभी भी नहीं है। नीतीश कुमार 15 साल भले ही मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन वो कभी भी विदाउट अ सिग्निफिकेंट अदर, मैंने हमेशा कहा है ये, नीतीश हैज नेवर वन अ बिहार इलेक्शन ऑन हिज ओन हेफ्ट और वेट, ही हैज ऑलवेज गॉन विद अ सिग्निफिकेंट अदर, और वो अदर ऐसा है जो उनसे बड़ा, बड़ी साख वाला है, या तो लालू यादव या भाजपा। तो अभी भी लालू यादव ने की जो जमा पूंजी है उनकी राजनीति की, वो अभी भी सबसे बड़ी एक सिंगल, वन सिंगल मैन, इफ वी आर टू काउंट की सबसे ज्यादा शक्तिशाली, तो वो लालू यादव के सिवा और कोई है नहीं वहां पर। अभी भी तेजस्वी की कंस्टिट्यूएंसी ऑटोमेटिकली उनके पास है। तेजस्वी की कमाई नहीं है ये लालू यादव की बनाई हुई पार्टी है, और लालू यादव के बनाए हुए लोग हैं, और उनके साथ क्यों चिपके हैं? क्योंकि लालू यादव ने कई मुद्दों पर, कई मुद्दों, देखिए लालू यादव में राजनेताओं में बहुत खामियां होती हैं, बहुत खामियां होती हैं कई, लेकिन एक खामी लालू यादव ने कभी इधर गए कभी उधर गए। अब ये बीजेपी को नहीं छूने के मामले पे अडिग रहे, हो सकता है कि कोई डील कर लेते। हम जानते हैं आप अडवाणी जी को भी इन्होंने गिरफ्तार किया था, मगर अब मैं मान लिया कभी भी सो कॉल्ड सेक्युलर सांप्रदायिक शक्ति के साथ उन्होंने कभी उनका समझौता नहीं हुआ था, मगर आपको क्या लग रहा है
भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, मगर एक चीज तो साफ है कि ये जो विधानसभा चुनाव होने वाले, पता नहीं क्या होने वाले हैं, आने वाले एक हफ्ते बाकी है, 10 दिन बाकी है, 2 हफ्ते बाकी हैं, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, मगर आपका क्या लग रहा है इस वक्त, क्या लग रहा है क्या होने वाले है? क्या बहुत ही एक तरफा तो नहीं है, ये तो साफ हो गया, आपने पहले भी बताया, मगर सचमुच के एक तरह से कांटे की टक्कर, इज इट सच अ क्लोज कॉन्टेस्ट? इस बात का आकलन करना अभी भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक बात कागजी है जहां पर यू नो द परसेंटेजेस ऑफ वोटर्स ऑन आइदर रेंज्ड ऑन आइदर साइड, उसको देख के लगता है कि कोई लड़ाई ही नहीं है, लेकिन आप जमीन को देखिए, आपको लगेगी कि लड़ाई है और कांटे की लड़ाई चल रही है, और बिहार का जो अभी मूड है वो काफी उफान में है। अभी उफान क्या रंग लाएगा, वाकई मैं तो कोई एस्ट्रोलॉजर या सूदसेयर होने मैं देख सकता हूँ और इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि क्या हो रहा है, तो 2 महीने पहले अगर आप पूछते तो मुझे मैं कहता आराम से कि एक तरफा लड़ाई है इसमें, तो बिहार में तो कुछ पूछने की बात ही नहीं है, लेकिन ये 3 हफ्ते 1 महीने से माहौल बदला है। और देखिए चुनाव का, हर चुनाव का एक वो होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो तेजस्वी इज वन ऑफ द इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स इन दिस इलेक्शन, प्रॉब्ली हैज बिकम द मोस्ट एक्साइटिंग इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ दिस इलेक्शन। और जिस तरह की लड़ाई भाजपा लड़ रही है, बिहार की पब्लिक बेवकूफ थोड़ी है ना, कि आपने तेजस्वी को भी लगा रखा है और उधर एक गठबंधन जो बना है मायावती RLSP और MIM का, उसको भी लगा रखा है, तो जिसको हिंदी भाषा में कोलोकियल में हम लोग कहते हैं फील्डिंग बैठाना, तो भाजपा ने ही नीतीश कुमार के खिलाफ फील्डिंग बैठा रखी है कि जहां जहां जदयू लड़ेगा वहां पर इनको और यू नो तंग करो। जिस नीतीश कुमार को की स्ट्राइक रेट, उनकी शक्ति को रिड्यूस करो रिड्यूस करो रिड्यूस करो, और LJP को अभी तक अलायंस से बाहर नहीं निकाला, LJP के बारे में कहते हैं चुनाव के बाद में देखेंगे, LJP कहती है कि हमको नीतीश को हटाना है, हमको तो भाजपा का मुख्यमंत्री चाहिए, रोज ताल ठोक के कहते हैं चिराग पासवान। तो ये जो रनिंग विद द हेयर हंटिंग विद द हाउंड भाजपा कर रही है ना, और इसमें बने हुए हैं खरगोश नीतीश कुमार, चलिए उनकी तगड़ा शिकार हो रहा है। आई नो आपने आपका टेलीग्राफ में आपका कॉलम में लिखा था नीतीश कुमार खरगोश, ही इज द रैबिट। थैंक यू सो मच संकर्षण, आपने आपका समय दिया के दर्शक के लिए, और आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि आप न्यूज क्लिक देखते रहिए। धन्यवाद। Thank you.